हेलो हेलो हेलो, आप सबका हाल चाल नहीं पता, लेकिन मैं तो एकदम ठीक हूँ। कुछ पूछा मैंने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर से प्रोफेशनल वीडियो कैसे बना सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, अपना वीडियो अपलोड करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी वीडियो क्वालिटी ऐसी होती है कि कोई भी देखना पसंद नहीं करता। और अगर लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होने वाला। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर से प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियो कैसे बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जो आपके काफ़ी काम की हो सकती है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जब भी आप काइन मास्टर में कोई भी वीडियो वगैरह बनाते हो तो आपको अपने ऑडियो क्वालिटी का उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक जब अपने वीडियो में लगाते हो तो आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को बिल्कुल कम रखा करो। आपने बहुत सारे ऐसी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज़्यादा रहता है कि उनकी ओरिजिनल आवाज़ हमें समझ में नहीं आती, और लोग कमेंट बॉक्स में आके अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं और उसके वीडियो को डिसलाइक भी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप काइन मास्टर में कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने म्यूजिक ऐड कर लिया, अब आपको इस पर क्लिक करना है और इसके स्पीकर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर देखो, इसका एक वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको बिल्कुल कम पे रखना है। कम यानी कम से कम 5, 10, 15 या फिर 20% पे भी रख सकते हो। यानी कि आपको पहला काम क्या करना है कि आपको अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कम रखना है ताकि वो हल्का हल्का सुनाई दे। बहुत ज़्यादा रहेगा तो कोई भी आपकी वीडियो नहीं देखना चाहेगा। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको करना है कि जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लो आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा देता हूँ, तो आपकी जो वीडियो की ऑडियो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। क्लियर मतलब कि आपको हज़ारों का माइक खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप काइन मास्टर से ही अपनी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी हद तक सुधार सकते हो। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये आपकी वीडियो है, आपने अपनी वीडियो को पूरा का पूरा बना लिया है, एक्सपोर्ट कर दिया हो। अब आपको दोबारा इस वीडियो को ऐड करना है और वीडियो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्पीकर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर जो ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको दबा के ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करोगे उसके बाद आपकी ऑडियो यानी कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आपकी वीडियो में कोई भी ऑडियो अप डाउन नहीं होगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों की वीडियो में होता है, उनकी वीडियो कहीं कहीं पर गायब हो जाती है, फिर उनकी आवाज़ अचानक से तय जाती है, तो यह सब समस्या आपको खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर दोबारा क्लिक करो, आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा है रिवर्ब, इस पर क्लिक करना है, एकदम ऊपर जाना है और स्टूडियो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो में ऑडियो की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आएगी। नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई क्रिएटर यूट्यूब पे अपना नया चैनल बनाता है तो वीडियो की क्वालिटी को ध्यान देने के बजाय अपने वीडियो में लोगो जरूर डालता है। बहुत सारे लोग होते हैं, लोगो ऐसा डालते हैं जैसा लगता है कि पूरी वीडियो में वो बस जो ऑडियंस है उनका लोगो ही देखने आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बात बताता हूँ। जब भी आप लोगो अपना कोई भी लगाने वाले हो, मान लो इस वीडियो पे कोई भी लोगो नहीं है, मैं यहाँ पर सबसे पहले जाके मीडिया से एक लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ। आपके गैलरी में जो भी लोगो आप लगाना चाहते हो लगा देना, मेरे पास फिलहाल ये लोगो है। तो आपको इसे बिल्कुल बीच में या फिर बहुत छोटा नहीं करना है, आपको इसको मीडियम साइज में करके यहाँ पर कोने में, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर कहीं भी आपको एक जगह पर बिल्कुल छोटे साइज में कर देना है ताकि देखने पर वीडियो अच्छा लगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपको इतना डार्क नहीं रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको उस लोगो वाले पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे इधर ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे देखो लिखा है अल्फा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो 100% लिखा है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ये देखो, जैसे ही आप कम करोगे आपका जो वाटर मार्क है यानी कि आपका लोगो बिल्कुल डिम हो गया है। तो जब भी आप वीडियो में अपना लोगो वगैरह ऐड करते हो या फिर अपने चैनल का नाम लिखते हो तो उसको छोटा लिखो और वीडियो के कोने में लिखो। जब भी कोई नया क्रिएटर होता है तो वो क्या करता है, अपने वीडियो में सबसे बड़ा लोगो ही लगा देता है, यानी कि लोग उसकी वीडियो को ना देखें सिर्फ उसके लोगो को देखें। तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने चैनल का ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको वीडियो पे फोकस करना पड़ेगा, यानी कि वीडियो क्वालिटी पे, न कि अपने लोगो पे। तो वाटर मार्क लगाओ, लोगो लगाओ, लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा में लगाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, और वो टॉपिक है सिंपल एडिटिंग। यानी कि आपको अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा भड़कीला एडिटिंग नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यूअर जो है आपके चैनल पे आपकी एडिटिंग स्किल देखने के लिए नहीं आता है। जो भी आपने वीडियो के टाइटल में बताया है उससे संबंधित आप क्या बताते हो वही मायने रखता है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए एक वीडियो एड करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आपको सिंपल एडिटिंग करनी है। सिंपल का मतलब कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर ही एडिट करिए,
इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वीडियो में अपनी वीडियो को लाल पीला करते हो, ऊपर से लाइट चमका देते हो, यहाँ पे आपका पूरा टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर नीचे भागता रहता है। ऐसा करने का मतलब है कि आप बिल्कुल ही नए क्रिएटर हैं। जब भी आप किसी नए यूट्यूबर की वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि उसके वीडियो में हद से ज़्यादा एडिटिंग की गई है, यानी उसका नाम लिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ से धुआं, वहाँ से धुआं आएगा, यहाँ पे लाइट जलेगी, वहाँ पे लाइट जलेगी। तो आपको ऐसी हरकत नहीं करनी, आपको अपनी वीडियो में वहीं एडिटिंग करनी है, वहीं पर लिखना है जहाँ पर आप लिखना चाहते हो। अगर आपको कुछ लिखना भी हो तो बीच वाले हिस्से में लिखो या फिर ऊपर के हिस्से में लिखो, यानी आपको ओवर एडिटिंग नहीं करनी है। जैसा कि सुबह सुबह आप व्हाट्सएप स्टेटस में देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा स्टेटस लगाते हैं जैसा कि उनके जैसा स्टेटस कोई लगाता ही नहीं है, पूरी चमक धमक होती है वीडियो में, सिर्फ टाइम वेस्ट लगता है। अगर आप वीडियो में कम एडिटिंग करोगे तो लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा, अगर उसमें बहुत ज़्यादा लाइट चमका दोगे, आवाज़ डाल दोगे तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आपको अपने वीडियो में छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, बाकी एडिटिंग नहीं करनी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक यानी कि आखिरी टिप्स के बारे में, और वो है सबसे इम्पॉर्टेंट। जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 5 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसको आप 6 मिनट का कर दो। आपको वीडियो में एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोलना, जहाँ पे काम खत्म होता है वहाँ पे वीडियो को बंद कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आपकी वीडियो में कोई भी पार्ट मिस हो गया है या फिर गलती से आपने बोल दिया है तो बिना सोचे समझे उसको आपको कट कर देना है, यानी कि जानबूझ के वीडियो की क्वालिटी को लंबा नहीं बढ़ाना है। बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो को 8 मिनट 10 मिनट करने के लिए उसमें बेकार की बातें बोलते रहते हैं, तो जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो बात बोलो, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको काट के वहाँ से हटा दो। वीडियो की लेंथ अगर छोटी रहेगी तो लोग जल्दी से समझ भी पाएंगे, जानबूझकर वीडियो की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता। कुछ लोग होते हैं कि वीडियो होती है 2 मिनट की लेकिन उस वीडियो को 10 मिनट की कर देते हैं ताकि लोगों का रिटेंशन बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपने 2 मिनट में सारी बात ख़त्म कर दी तो लोग आपकी वीडियो को 10 मिनट तक क्यों देखेंगे। तो आपकी जो वीडियो इंपॉर्टेंट है वही पार्ट आपको रखना है, बाकी पार्ट को हटा देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 टिप्स जिसकी मदद से आप अपनी काइन मास्टर से अपनी वीडियो को एकदम प्रोफेशनल लेवल का कर सकते हो। शुरुआत में करते करते आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ये 5 टिप्स अपनाने के बाद आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़ने वाली है। आप चाहे तो मेरे चैनल को भी देख सकते हो या फिर आपने ये वीडियो भी देखा होगा, इसमें आपको कोई भी ओवर एडिटिंग या फिर ओवर वॉइस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को जो है अच्छी क्वालिटी में बना सकते हो। काइन मास्टर के जरिए आपको कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।